हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वेडिंग वाला क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम में एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो इस एक्सरसाइज से आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एजेस 3 ईयर्स अगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज एज। चलिए हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। कहते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यत्रुम, व्यत्रुम का मतलब होता है उल्टा, और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्यत्रुम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब कभी भी आपको एज वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो चाहे आप फोर्थ चैप्टर कर रहे हो, दोनों चैप्टर में सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर में आपको जब कभी भी एज वाला क्वेश्चन आएगा, आपने हमेशा प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु माननी है। तो हम वही करते हैं, चलिए मान लेते हैं। माना रहमान की जो वर्तमान आयु है वो है एक्स वर्ष, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। तो 3 साल पहले की बात करते हैं। देखो, 3 साल पहले जितने साल अगो की बात करेंगे उतने ही हम माइनस कर देंगे। सो 3 ईयर्स अगो रहमान्स एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 3 हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, जितने साल बाद की बात करते हैं उतने साल आप ऐड कर लेते हो। ऐसे सिंपल सा समझ लेते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए अभी मेरी जो एज है वो है 10 ईयर्स। अगर मैं पूछूं 2 ईयर्स अगो मीन्स 2 साल पहले मेरी एज क्या थी, तो मैं क्या करूँगा, 10 में से 2 ईयर्स माइनस कर दूंगा, मेरी एज हो जाएगी 10 - 2, 8 ईयर्स। अगर अगेन मेरी एज है अभी 10 ईयर्स, मैं बोलूँगा कि 3 ईयर्स आफ्टर 3 साल बाद मेरी एज क्या होगी, सो मेरी एज में 10 + 3 ऐड कर देंगे तो मेरी एज हो जाएगी 13 ईयर्स। तो दोस्तों, ये आपने याद रखना है, जितने साल पहले की बात करेंगे आपने प्रेजेंट एज में उतने साल माइनस कर देना है, और जितने साल बाद की बात करेंगे आपने उतने साल माइनस कर देना प्लस कर देना है। तो पहले के लिए हमने माइनस कर दिया और बाद के लिए हमने प्लस कर दिया। अब देखते हैं रेसिप्रोकल मीन्स व्यत्रुम। तो व्यत्रुम x माइनस 3 का व्यत्रुम क्या हो जाएगा, 1/(x-3), और x प्लस 5 का व्यत्रुम रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/(x+5)। अब ये दोनों का हमने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर हम इनको दोनों को ऐड करें तो मेरे पास आंसर आएगा 1/3। सो मैंने क्या किया, 1/3 + 1/5 = 1/3। अब इसको क्या करते हैं, नीचे दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों रकम में डिफरेंट है तो दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 इधर आ जाएगा और एक्स माइनस 3 इधर आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन अब क्या बनी है, x + 5 + x - 3 (x-3)(x+5) = 1/3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं x एंड x 2x हो गया, 5 प्लस है 3 माइनस है, तो 5 में से 3 गया 2 हो गया। नीचे हमने x को एक बार इसके साथ लिख दिया और माइनस 3 को एक बार इसके साथ लिख दिया, (=1/3). अब इसको सॉल्व करते हैं और ज़्यादा, नीचे जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x को x से करेंगे x² x को 5 से करेंगे 5x, -3x और 3 × 5 = 15, -15 = 1/3। अगेन सॉल्व करते हैं, सो 2x + 2 जो है वो तो सेम रह गया, x² ऐसे ही हो गया, 5 और 3, 5 प्लस है 3 माइनस है, तो प्लस का 2x आ गया, -15 = 1/3 आ गया। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो (x²) + 2x - 15, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेम आ जाएगा। अब 2x + 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 6, 6x + 6 आ गया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों रकमों को इस तरफ लेके जाना है, तो (x²) + 2x था इधर से 6x आके माइनस हो गया, माइनस का 15 था इधर, +6 आके माइनस का 6 आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, इधर सॉल्व करते हैं, सो (x²) - 4x - 21 = 0 आ गया। अब फैक्टर करने 21 के, तो 21 के फैक्टर मैंने यहाँ रफ में कर लिए हैं, 7 और 3, जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 = 21, और 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, तो मैंने इस 4 को लिख दिया 7x + 3x - 21 = 0। सो पहले दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो मेरे पास हो गया (x-7), इन दोनों में से +3 कॉमन लेंगे तो (x-7). याद रखना है, जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। सो (x-7) को हमने एक बार लिख दिया, मेरे पास बच गया है (x+3), तो (x+3) = 0। सो यहाँ से हमने
एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो लिखा, सेवन को इधर लेके आएंगे प्लस सेवन, एक्स इक्वल्स टू सेवन आ गया, प्लस थ्री इधर आके माइनस थ्री हो गया। तो अब ये जो माइनस थ्री वाली रकम है इसको हम छोड़ देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे भाई, क्योंकि किसी की भी एज जो है वो माइनस में नहीं हो सकती। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या होगी, आपके पास आंसर आ गया सात, सेवन ईयर्स। तो आप लिखेंगे रहमान की जो वर्तमान आयु है वो बराबर है सात वर्ष, लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, एक बार पढ़ लेते हैं। हमें कहता है एक क्लास टेस्ट में शिफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है, यदि उसको गणित में दो अंक अधिक और अंग्रेजी में तीन अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है हिंदी में, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. So, सबसे पहले तो दोस्तों आपने एक चीज इसमें नोट करनी है, वो है इसका योग, अंकों का योग आपको दिया है 30। तो पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने बात किया था, अगर कभी भी आपको किसी भी दो रकमों का योग दिया है तो आपने एक को x ले लेना है, दूसरा क्या आ जाएगा, जो उसका सम है उसमें से x को माइनस कर देना है। सो यही हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। हमने क्या किया, सपोज किया लेट सेफालीस मार्क्स इन मैथ इक्वल्स टू x, और इंग्लिश में कितना हो जाएगा, जितना सम है उसमें से हमने x को माइनस कर देना है। तो हिंदी में हम क्या लिखेंगे, माना शेफाली के गणित में अंक बराबर x, और अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, जितना उनका योग है उसमें से x को माइनस कर देना है। चलिए अब देखते हैं, इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, देखिए अभी जो मैथ में मार्क्स थे वो थे x, अगर दो ज्यादा मिलेंगे तो अब कितने मार्क्स हो जाएंगे, x प्लस 2, दो ऐड हो जाएंगे ना। दूसरा, अगर उसे इंग्लिश में कम मिलते हैं, इफ़ शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो अभी जो इंग्लिश के में मार्क्स है वो थे 30 माइनस एक्स, अगर दो कम मिलेंगे, तीन कम मिलेंगे तो तीन माइनस कर देंगे, तो 30 में से 3 माइनस है और 27 और माइनस में एक्स। तो अंग्रेजी में अगर तीन नंबर कम मिलेंगे उसे तो कितना हो जाएगा उसका 27 माइनस एक्स। अब वो बोल रहे हैं इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई कितने के बराबर है, 210 के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अब करना क्या है, इस ब्रैकेट को खोलना है, पहले x को हमने इन दोनों रकम से लिख दिया मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 को लिख दिया इन दोनों रकम से मल्टीप्लाई, बराबर में 210। सो अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, x को पहले 27 से करेंगे 27x, x को माइनस x से करेंगे माइनस का x स्क्वायर, 2 को 27 से करेंगे 54, 2 को x से करेंगे माइनस का 2x इक्वल्स टू 210। पहले यहाँ सॉल्व करते हैं, सॉल्व देखते हैं कौन कौन सी रकमें एक जैसी हैं, सेम टर्म्स है मेरे पास 27x और 2x, सो पहले माइनस का एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस का 54 लिख दिया, 27 प्लस है 2 माइनस है, सो 27 में से 2 गया 25 रह गया, बराबर 210। सो अब क्या करना है, हमेशा हमने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है उसको प्लस रखना है, तो हम क्या करेंगे इस रकम को इस तरफ लेके आएंगे, सो इधर आके एक्स प्लस का हो गया, जो 25 प्लस है इधर आके माइनस हो गया, और जो 54 है वो प्लस था इधर, इधर आके माइनस हो गया, और 210 ऑलरेडी प्लस है। सो अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग इन दो नंबर्स को, एक प्लस एक माइनस, तो 156 बराबर जीरो आ गया। सो अब हमने करने हैं 156 के फैक्टर, तो 156 के हमने यहाँ पर फैक्टर किए, तो फैक्टर में हमने देखा जब इसको अरेंज किया तो मेरे पास आ गया 3 2 6 एंड 12 एंड 13 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर जब करेंगे आप लोग ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा। सो मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x माइनस प्लस 156 इक्वल्स टू जीरो, पहले इन दोनों में से कॉमन x आ गया, x माइनस 12 हो गया, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन, x माइनस 12, तो x माइनस 12 हमने एक बार लिख दिया, मेरे पास बचा x माइनस 13, तो बराबर जीरो। सो अब क्या करना है हम लोगों ने, इन दोनों को जीरो रखना है, x माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो, x माइनस 13 इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू आपके पास आई 12 और यहाँ आ गई 13। अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं, इफ़ शी गॉट 12 मार्क्स इन मैथ, अगर उसके 12 नंबर मैथ में आ जाए तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस 12, क्योंकि 30 माइनस x हमने लिया था 18 हो गए। अगर उसके मार्क्स आते हैं 13, मैथ में 13 आते हैं, तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस 13 17। तो ये दो कंडीशंस हैं, क्योंकि दोनों में से दोनों के दोनों जो आंसर आए हैं वो प्लस हैं, दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड नंबर 1, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड।
चलिए एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक आयताकार खेत के खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर मैंने बनाया, फिगर हम बाद में करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया था। सबसे पहले हमें दिया था, पहले शॉर्टर जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, जो लॉन्गर साइड होती है वो होता है बेस, मतलब आधार। डायगनल, अब जो लिखा है वो हम लोग लिख लेते हैं। डायगनल जो दिया था, हमें दिया था शॉर्टर साइड प्लस 60, जो लॉन्गर साइड है बड़ी भुजा दी थी वो दिया था शॉर्टर साइड प्लस 30। मैंने जब इन दोनों कंडीशन को जो मुझे दी थी, जो मैंने लिख ली है थोड़ा समझने के लिए, मैंने इसमें देखा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है शॉर्टर साइड, इसमें भी आ रहा है शॉर्टर साइड, इसमें भी आ रहा है। तो हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट शॉर्टर साइड इक्वल्स टू एक्स, जो छोटी भुजा है उसको हमने क्या मान लिया, x। तो अगर छोटी भुजा को x मान लेंगे तो डायगनल क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 60, और लॉन्गर साइड क्या आ जाएगा, x प्लस 30। तो चलिए अब फिगर पे आ जाते हैं। अब देखो ये जो हमारे पास है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री। मैंने यहाँ पर 90 डिग्री बना लिया। शॉर्टर साइड कितनी थी हमारे पास, हमने x मान लिया परपेंडिकुलर, बेस क्या था 30 ज़्यादा था, तो बड़ी साइड जो थी 30 ज़्यादा, x प्लस 30 आ गई, और जो डायगनल था वो आपके पास था x प्लस 60। तो ये हमने यहाँ पर फिगर बना ली है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। मेरे पास ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है फॉर्मूला पाइथागोरस, एच स्केयर इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, ए सी स्केयर इक्वल्स टू ए डी स्केयर प्लस डी सी स्केयर। तो वैल्यू पुट करते हैं, जो ए सी है सिर्फ आपने याद रखना है, जो आपकी सबसे बड़ी भुजा है वो आती है हाइपोटन्यूज मीन्स एच। तो एक्स प्लस 60 का स्केयर इक्वल्स टू एक्स का स्केयर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्केयर। अब इसको फॉर्मूले को खोल लेते हैं, इधर से ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इधर से एक्स स्केयर हमने लिख दिया, इधर से फिर फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्केयर प्लस 3600 और 60 दुनी 120x, इधर एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 30 का स्केयर 900 और 30 दुनी 60 60x। x square यहाँ से कैंसिल। तो अब क्या करना है, हमने इस सारी रकम को इस तरफ लेके जाना है क्योंकि x square इधर पॉजिटिव है हमारे पास। क्या करेंगे, ये x square पॉजिटिव, हमने x square लिख दिया, प्लस 60x, हमने 60x लिख दिया, इस प्लस 120 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का 120, प्लस 900, ये जो 3600 है प्लस इधर आके माइनस का 36 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं x square का x square, ये दोनों रकमें x वाली हैं, तो 120 में 60 माइनस किया 60 और निशान बड़ी रकम का माइनस आ गया। 3600 में से 900 माइनस करेंगे 2700 आपके पास आ जाएगा बराबर 0। अब आपके पास फैक्टर क्या करने हैं, आपने 2700 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको आ जाए 60। तो मैंने क्या किया, इस जो 100 है 100 को मैंने 10x10 लिख दिया थोड़ा सा ईजी करने के लिए, और 27 के फैक्टर हमने किए तो 9x3, 9 × 3 = 27, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ गया। तो मैं इस दोनों के आगे जो 0 0 लगा देते हैं, आपके पास फैक्टर आपके पास आ गया 90 एंड 30। तो अब एक्स स्केयर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, पहले कॉमन लेना है इन दोनों में से कॉमन, क्या आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 90, इन दोनों में से प्लस 30 कॉमन, x माइनस 90, तो x माइनस 90 x प्लस 30। क्या करना है, एक बार x माइनस 90 को 0 रखना है और एक बार x प्लस 30 को 0 रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 30 और यहाँ से आएगी प्लस 90। माइनस 30 वाली को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस में कोई भी साइड नहीं हो सकती। सबसे पहले डायगनल की बात करते हैं। डायगनल आपके पास क्या था, x प्लस 60 मीन्स 90 प्लस 60 150 आ गया। बड़ी भुजा आपके पास मीन्स लॉन्गर साइड 90 प्लस 20 120 आ गया, और जो शॉर्टर साइड है दैट इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स और सेकेंड नंबर इक्वल्स टू वाई। अब जो स्केयर है, अब पहला क्वेश्चन है, दो डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर इज 180 डिग्री, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल्स टू 180। अब ये तो फर्स्ट तो लिख दिया, अब मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि जो एक्स है वो बड़ा है और जो वाई है वो छोटा है। अब आप बोलोगे वाई हाउ, चलिए एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ 2 - 3 इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है, आपके पास -1 आ गया। एक और 3 - 2 ये आपके पास आंसर आएगा 1,
अब पहले वाले केस में देखते हैं, यहाँ पर बड़ी रकम कौन सी है, 3, क्योंकि इसका निशान है माइनस, तो इसलिए आंसर आपके पास क्या है, माइनस। यहाँ पर 3 - 2 में बड़ा नंबर क्या है, 3, सो आंसर आपका प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो बड़ी वाली रकम है वो माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर बड़ी रकम प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा। ओके, इतना क्लियर है। चले अब यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास एक नंबर है एक्स स्क्वायर और एक नंबर है वाई स्क्वायर, तो इसमें आंसर जो आ रहा है वो प्लस आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो बड़ी नंबर है वो कौन सा है, जो प्लस है, तो प्लस कौन सा है, एक्स प्लस है, इसलिए एक्स बड़ा हो गया और वाई छोटा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, मीन्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये आपको लिखा हुआ है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर क्या था आपके पास, वाई, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर था x, तो 8 टाइम x, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। अब क्या करते हैं, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 180। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह हमने 8x बराबर 180, सो 180 को उधर लेके आएंगे, माइनस का 180, आप इक्वेशन आपके पास हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। सो मैंने 180 के फैक्टर सिंपल एक करके देखा, 18 × 10, मैंने देखा 18 में से 10 माइनस करेंगे 8 आ गया। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। पहले फर्स्ट दो रकम में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो आपके पास हो गया x माइनस 18, इन दोनों में से प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। सो x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। सो अब क्या करना है, हम लोगों ने एक बार इस रकम को 0 रखना है x माइनस 18 को, और एक बार x प्लस 10 को, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 10 आ गई और x की वैल्यू प्लस 18। सो माइनस 10 को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया 18। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर था y स्क्वायर इक्वल टू 8 × x, सो 8 × 18 कितना हो गया, 144। 144 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ये आता है 12, वैसे प्लस माइनस होगा लेकिन हमने प्लस वाली वैल्यू लेनी, इसलिए आपका सेकंड नंबर आ गया 12। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलिए हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते, जो हमसे पूछा था, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, अब कहते हैं यदि गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ाने का मतलब ऐड करना, तो आपके पास नई स्पीड हो जाएगी x प्लस 5। सो इंग्लिश में देख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आर, और स्पीड ऑफ ट्रेन इफ इंक्रीज 5/5 किलोमीटर पर आर x प्लस 5। सो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, स्पीड डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर अभी फिलहाल दिया 360, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है टाइम का फॉर्मूला है स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो अब यहाँ पर देखते हैं, आपके पास डिस्टेंस है आपके पास 360, और जब गाड़ी नॉर्मल स्पीड से चलती है उसकी स्पीड है x, तो पहला जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 360/x, फिर जब उसकी 5 किलोमीटर पर आर बढ़ा दिया तो उसका जो टाइम होगा वो कितना होगा, 360/x+5, तो ये दो टाइम आपके पास आ गए। अब देखो, एक बार जो गाड़ी है नॉर्मल स्पीड से चल रही है और एक बार जब वो तेज, तो दोनों जो डिस्टेंस जो टाइम है वो सेम तो हो नहीं सकते, इसीलिए हमें दिया हुआ टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 घंटा। टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1 घंटे का डिफरेंस दिया। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि कौन सी गाड़ी कम समय लेगी और कौन सी ज़्यादा समय लेगी। देखो, जो गाड़ी धीरे चल रही है, धीरे कौन सी चल रही है, ये वाली 360/x, ये जो टाइम है वो ज़्यादा होगा, अब जब स्पीड से चलेगी वो कम होगा, मींस ये जो है वो ज़्यादा है और ये कम है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो कम है उसमें ऐड करते हैं जितना हमें दिया हुआ, तो कितना घंटा दिया हुआ है, 1 घंटा। सो जो कम था उसमें हमने क्या किया, 1 घंटा ऐड कर लिया। सो 360/x इक्वल टू 360/x+5 प्लस 1, क्योंकि ये टाइम जो था वो कम था, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम होगा। सो अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1, सो यहाँ से कॉमन लेंगे 360, तो आपके पास होगा 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल टू 1। सो यहाँ से इसका कैल्शियम लेंगे x इंटू x प्लस 5,
यहाँ से x माइनस फाइव इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो x x प्लस फाइव माइनस x, एक्स एक्स कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है 360 इंटू फाइव डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, सो आपके पास हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स टू 360 इंटू फाइव। तो 360 इंटू फाइव को जो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1800 हो गया। 1800 के अब हमने फैक्टर बनाने ऐसे कि माइनस करने पर फाइव आ जाए, तो मैंने यहाँ से फैक्टर किया तो आपको फैक्टर बनाने पर आएंगे 40 एंड 45। सो यहाँ से हमने क्या किया, इसको लिख दिया एक्स के प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू जीरो। सो पहले हमने पहले दोनों में से कॉमन लिया x कॉमन, तो आपके पास हो गया x प्लस 45, इन दोनों में से कॉमन तो माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45। अब आपके पास x प्लस 45 दोनों साइड आ रहा है, एक बार लिख दिया बच गया x माइनस 40 इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार x प्लस 45 इक्वल्स टू जीरो और एक बार x माइनस 40 इक्वल्स टू जीरो। सो x की वैल्यू आपके पास माइनस 45 हो गई, इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, x की वैल्यू 40, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ गई आपके पास 40 किलोमीटर पर आर, आपके पास आंसर आ गया। सो रेलगाड़ी की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। द लार्जर टैप ऑफ डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। चलिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में लिया गया समय। तो अब ये ध्यान देना, चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले लेट द टाइम टेकन बाय अ लार्जर टैप। सो लार्जर टैप को हमने ले लिया एक्स आर्स, तो जो स्मॉलर टैप है वो 10 घंटे ज़्यादा लेगा। अगर बड़ा वाला कम ले रहा है तो जो छोटा वाला वो ज़्यादा लेगा। तो ज़्यादा के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको 10 ऐड कर दिया। तो जो स्मॉलर टैप है वो कितना लेगा, x प्लस 10 आवर्स लेगा। सो हिंदी में लिखते हैं, माना बड़े नल द्वारा लिया गया समय हौज को भरने में बराबर x घंटे और छोटे नल द्वारा x प्लस 10 घंटे। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जो बड़ा वाला टैप है वो कितने घंटे में भर रहा है, x घंटे में। तो एक घंटे में कितना भरेगा, 1/x। इसको ऐसे समझ लेते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं 2 घंटे में 4 केले खाता हूँ तो 1 घंटे में कितने खाऊंगा, 4/2, तो दो ही खाऊंगा ना। सो सिमिलरली अगर वो एक टैंक को x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। तो एक घंटे में भरेगा 1/x। ऐसे ही जो स्मॉलर टैप है वो कितना भरेगा, 1/x प्लस 10 घंटे। तो ये हमारे पास आ गया टाइम दोनों का, एक एक घंटे में कितना भरेगा। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल जो है वो दोनों मिलके भरते हैं 9 से ही 3/8 घंटे में। सो अब क्योंकि ये टोटल घंटे दिए, हमने इसको भी 1 घंटा निकालना है, तो 1 घंटा निकालना है तो 1 से डिवाइड करना है। सो अब आपके पास इक्वेशन होगी 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल्स टू 1/9 3/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास सॉल्व करने पर क्या आएगा, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम आपके पास आ गया x इंटू एक्स प्लस 10 और ये x प्लस 10 इधर x इधर, तो आपके पास आ गया x प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल्स डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 1/75 अपन। अब इसको देखा है कैसे किया, पहले करना 9 × 8 = 72 प्लस 3/8, तो ये आपके हो गया 75/8 आ गया आपके पास। इसको उल्टा करेंगे तो 8/75। इसको एक ऐड करते हैं x प्लस एक्स 2x प्लस 10 x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर और x को 10 से करेंगे 10x इक्वल्स टू 8/75। अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ से दोनों में से कॉमन लेते हैं 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2 को x से करेंगे 2x से तो x हो गया और 10 को 2 से करेंगे तो 5 हो गया, ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस 5। इधर से 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो आप लोग ऐसे कटिंग कर सकते हैं, ये आ गया 4/75। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पहले x स्क्वायर प्लस 10x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 मैंने लिख दिया, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से, तो ये आपके पास 4 को x के करेंगे 4x स्क्वायर, 4 को 10 से करेंगे 40x, 75 को x से करेंगे 75x और 75 को 5 से करेंगे 375। अब क्या करना है हमने, अब यहाँ से आगे चलते हैं, 4x स्क्वायर इस 75 को इधर लेके आएंगे माइनस का 75, 40x माइनस 75x प्लस 375 इधर आ गया माइनस 375 इक्वल्स टू 0।
इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। सॉल्व करने के बाद हमने देखा 75 में से जब 40 माइनस करेंगे 35 और माइनस 375 इक्वल टू 0। सो अब 4 को 375 से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने पर 35 आए। सो मैंने फैक्टर जब चेक किया तो फैक्टर आपके पास आ गए 60 एंड 25। सो यहाँ से 4x स्क्वायर हमने लिख दिया, ऐसे ही 4x कॉमन लिया, दोनों में से 4x आ गया। सो x माइनस 15, इन दोनों में से प्लस का 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 15। सो x माइनस 15 एक बार आ गया, आपके पास बचा 4x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से एक बार x माइनस 15 बराबर 0 और 4x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से जब करेंगे वैल्यू, x की वैल्यू आ गई आपके पास 15 और यहाँ से 25 जब इधर आएगा माइनस का 25, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। सो ये नेगेटिव वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप कितना आ जाएगा, 15 आवर्स, क्योंकि एक्स टाइम हमने लिया था। और जो स्मॉलर टैप है वो था एक्स प्लस 10, मीन्स 15 प्लस 10 25 आवर्स। तो जो स्मॉलर टैप है उसे लगेंगे 25 आवर्स और जो लार्जर टैप है उसे लगेंगे 15 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। तो आपके डिस्टेंस यहाँ पर दिया 132 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी जो स्पीड आपके पास 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा दी हुई है और उसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटे का उनमें डिफरेंस है। चलिए देखते हैं हिंदी में क्वेश्चन। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आर और स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आर। सो माना रेल सवारी गाड़ी की चाल जो है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस की 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है तो एक्स प्लस 11 आ गया। अब जो डिस्टेंस आपके पास दिया वो दिया 132 किलोमीटर और टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, समय दूरी बटा चाल। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन जो डिस्टेंस था वो था 132 किलोमीटर और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी एक्स, और एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगी, 132 डिस्टेंस और उसकी स्पीड थी एक्स प्लस 11। तो ये आपके पास दोनों के डिस्टेंस हो गए। हिंदी में लिख लेते हैं, सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय 132 बटे में एक्स और एक्सप्रेस गाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय 132 डिवाइड बाय एक्स प्लस 11। अब देखिए दोनों जो टाइम है वो दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, है ना, पहली चीज़। तो इसमें जो डिफरेंस दिया वो कितने घंटे का दिया, 1 घंटे का। अब हमें देखना है कौन सी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा, जो कौन सा टाइम है वो ज़्यादा है और कौन सा कम है। देखो याद रखना, जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम अपने आप कम होगा। तो यहाँ पर स्पीड किसकी ज़्यादा है, एक्सप्रेस ट्रेन की। सो अब ज़्यादा टाइम कौन सा है, 132 डिवाइड बाई एक्स। तो हमने जो एक्स्ट्रा हमें दिया हुआ है वो हमेशा हमने छोटे में ऐड करना है। तो छोटा था हमारे पास 132 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया 132 डिवाइड बाई एक्स बराबर 132 डिवाइड बाई एक्स प्लस 11 प्लस 1। सो 132 डिवाइड बाई एक्स प्लस 11 को इधर लेके आएंगे तो 132 बाई एक्स माइनस 132 डिवाइड बाई एक्स प्लस 11। 132 कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 11 बराबर 1। सो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 11। सो x प्लस 11 इधर आ गया, माइनस का x इधर आ गया, x x कैंसिल आपके पास। सो आपके पास बचा, इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, एक्स स्क्र प्लस 11x 132 गुना 11 डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस 11x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस 11x इक्वल्स टू 132 इंटू 11, इसको गुना करेंगे 1452 आ गया। सो एक्स स्क्र प्लस 11x इक्वल्स टू 1452, इस 1452 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर हमने किए, जब अरेंज किए इसको फैक्टर को किया तो आप देखेंगे अरेंज करने पर 33 इंटू 44 आ गया। सो 44 प्लस लिख देते हैं, 33 माइनस लिखते हैं इक्वल्स टू, आप पहली दो रकम में से कॉमन, बाद की दो रकम में से कॉमन। सो पहले दो में से कॉमन लेंगे हम लोग, पहले दो में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 44, इन दोनों में से माइनस का 33 कॉमन तो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 33 और x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। सो एक बार x माइनस 33 इक्वल्स टू 0, एक बार x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, ये इधर आके माइनस 44, ये इधर आके प्लस 33। सो इस माइनस वाली रकम को निगलेक्ट कर देंगे। सो स्पीड सवारी गाड़ी की जो चाल है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 33 किलोमीटर पर आर, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो जाएगी 33 प्लस 11
44 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू 33 + 11 44 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वेयर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लेते हैं, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर इज 468 मीटर स्क्वेयर, इफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वेयर्स। चलिए हम लोग सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वेयर्स। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स मीटर एंड साइड ऑफ द सेकंड स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई मीटर, ये हमने लिख लिया माना। और अब सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटर की, तो पैरामीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, जो पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर होता है दैट इज 4 इंटू साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू साइड। सो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर है 4 इंटू एक्स और पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वेयर 4 इंटू वाई। ऐसे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर साइड स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर और एरिया ऑफ सेकंड स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो पहले वर्ग की भुजा हमने लिख लिया एक्स मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा वाई मीटर। तो जो परिमाप है 4 गुना भुजा 4x हो जाएगा और जो दूसरे वर्ग की भुजा है 4y हो जाएगा। ऐसी जो क्षेत्रफल है वो है हमारे पास भुजा गुना भुजा, मींस जो पहले का क्षेत्रफल होगा एक्स स्केयर और दूसरे का होगा वो वाई स्केयर। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ द एरियाज, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्केयर इक्वल्स टू 468। जो पहला वर्ग है उसका स्केयर है, उसका एरिया है एक्स स्केयर और दूसरे का वाई स्केयर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 468 और डिफरेंसेज ऑफ पैरामीटर, तो पैरामीटर आपके पास क्या था 4x एंड 4y। सो डिफरेंसेज 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, तो यहाँ से 4 कट गया, यहाँ से 4 कट दिया एंड 6 4 24 आपके सेकंड इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे, y को उधर लेके आते हैं, x की वैल्यू आपके पास हो गई 6 प्लस वाई। तो ये आपने थर्ड इक्वेशन बना ली है। अब देखते हैं इक्वेशन एक का मान, इक्वेशन x का मान इक्वेशन एक में भरने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट थी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 468, एक्स की वैल्यू है आपके पास 6 प्लस वाई। सो एक्स की जगह पर 6 प्लस वाई का होल स्केयर प्लस वाई का होल स्केयर इक्वल्स टू 468। अब यहाँ पर फॉर्मूला खोलते हैं, यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 468। सो 6 का स्केयर 36 स्केयर, वाई का स्केयर वाई स्केयर, 2 इंटू 6 इंटू वाई 6 टू द 12 इंटू वाई 12y प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू 468 आ गया आपके पास। अब देखते हैं वाई स्केयर एंड वाई स्केयर, दो वाई स्केयर हो गया आपके पास, तो दो वाई स्केयर लिख दिया प्लस 12y हमने लिख दिया प्लस 36 लिख दिया। इस 468 को इधर लेके आएंगे, माइनस 468 हो गया आपके पास। सो अब आपके पास इक्वेशन बनी है 2y स्केयर प्लस 12y माइनस 432, जब इन दोनों को माइनस करेंगे माइनस 432 इक्वल्स टू 0। अब मैंने देखा सारी रकम जो है 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो दोनों को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया, यहाँ से 2 डिवाइड हो गया वाई स्केयर, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 6y और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 216। तो अब हमने करना क्या है, 216 के फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर 6 आ जाए। सो मैंने जब यहाँ पर इसको फैक्टर किया तो आपके पास फैक्टर हो गए 18 एंड 12। सो मैंने यहाँ से इसको लिख दिया वाई स्केयर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से पहले दो रकम में से कॉमन लेना है और लास्ट की दो रकम में से कॉमन लेना है। पहली दो रकम में से कॉमन लिया आपके पास y कॉमन आ गया, तो y प्लस 18 हो गया। इन दो रकम में से माइनस 12 कॉमन लिया तो y प्लस 18 हो गया। अब क्या करना, हमने y प्लस 18 एक बार लिख दिया और y माइनस 12 एक बार लिख दिया इक्वल्स टू 0। सो y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हमने लिखा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, y की वैल्यू 12 आ गई, इधर आके माइनस प्लस हो गया, प्लस 18 है, इधर आके माइनस 18 हो गया। अब जो माइनस वाली रकम है उसे निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो साइड ऑफ द स्केयर है कभी माइनस नहीं हो सकती। सो वाई इक्वल्स टू 12 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या थी आपके पास, एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। सो एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस 12 18। सो साइड ऑफ फर्स्ट स्केयर आपके पास x थी, तो साइड ऑफ द फर्स्ट स्केयर आपके पास 18 मीटर, साइड ऑफ सेकंड स्केयर था y, तो y की वैल्यू आपके पास आई 12। सो दैट इज इक्वल्स टू 12। तो पहले वर्ग की भुजा आपके पास आ गई 18 मीटर और दूसरे वर्ग की आ गई 12 मीटर। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।